हेलो व्यूअर्स, आइए आज कबाब के लिए एक बहुत ही अच्छा सा रिफ्रेशिंग सलाद बनाते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ख़ास नहीं करना, बस थोड़ी सी मिर्च और लहसुन को हमें पीस लेना है। क्योंकि ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और चटखारेदार सलाद बन रहा है, तो उसकी ड्रेसिंग भी हमें बहुत ही चटखारेदार बनानी होगी। तो इसके लिए हमें लहसुन और मिर्च में डालना है एक पूरे लेमन का रस, और साथ में ये जो देसी गुड़ है वो डालना है। एक टेबल स्पून सोया सॉस डाल लें, साथ में 1 टेबल स्पून ओलिव ऑयल डालें। जायके के लिए नमक डालें। अब इस सलाद ड्रेसिंग को और मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर हमें इमली का गुदा डालना है। ये पल्प मैंने घर में बनाया है, इमली को गर्म पानी में फुलाने के बाद उसका पल्प निकाल लिया है। आप चाहें तो मार्केट से भी ये इमली का पल्प आप रेडीमेड ख़रीद सकते हैं। साथ में यहाँ पर लगभग 100 ग्राम पीनट बटर डालें। ये यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर डाला है। चलिए, तो अब इसे हमें बहुत ही बारीक पेस्ट सा बना लेना है। तो इसे हम अपने मिक्सी में थोड़ी देर के लिए चला लेते हैं। तो पीसने के बाद हमें इस तरह का थिक सॉस मिला है। अब इसे हमारे सैलड की ड्रेसिंग होगी। अब अपने पीसे हुए थिक पेस्ट को एक मिक्सिंग बाउल में डालें। मैंने अपने पीनट बटर सॉस को एक मिक्सिंग बाउल में फैला दिया है, और अब इसके ऊपर अपने पसंद की कटी हुई सब्जियां डालें। मैंने सब्जियों को धोकर छानकर पहले से रख लिया था। आप इसमें अपने पसंद की भी सब्जी मिला सकते हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ें डालें। मैंने आलू और घर की पनीर डाली है, जिसे मैंने थोड़ा सा सेक लिया है। इससे आपका सैलड बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ बारीक स्लाइसेस में कटी हुई पत्ता गोभी है, यानी कैबेज, आप इसे भी डाल लें। और मैंने इसे इतनी बारीक स्लाइसेस इस स्लाइसर से किया है। आप इस पर काली मिर्च डालना ना भूलें। और साथ ही ये बहुत ही रिफ्रेशिंग सलाद है, तो इस पर आप थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां डालें, और अब इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही मज़ेदार सा ये कबाब के साथ और नॉनवेज के साथ सर्व करने का सलाद तैयार है। तो आप भी बनाएं, और अगर आपको पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन ऑन रखें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारी किसी भी रेसिपी को आप मिस ना करें। तो मिलते हैं फिर किसी अगले रेसिपी पर।